इधर तो आ। पूरा उसमें बिल्डिंग में देखते हैं मम्मी बोला एडिशन के ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो आग लगी है और जो प्राइमा फेसाई अब जो सामने आया है कि काफ़ी सारा सैनिटाइजर स्टोर था, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वर देयर, जिससे वो इमीडिएटली फायर बहुत ज़्यादा भड़क गई। जैसे ही सूचना मिली मुझे इमीडिएटली तत्कालीन ही मैं एक्शन आईपीएच को ये कहा कि जितने भी पानी की सप्लाई है इस एडजॉइनिंग हाइड्रेंट में डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि पानी की वो तुरंत वो कर भी दिया गया और मौके पे तुरंत एसडीएम पहुंच गए थे और पुलिस और फायर हाइड्रेंट के तो उसी समय तुरंत ही हमने एज ए बैकअप के लिए परवानू से भी फायर टेंडर मूवमेंट आ गई जो कि अभी पहुंच गए थे आधे घंटे समय पे। सारी तैयारियां के अनुसार इमीडिएटली जो काफ़ी जो यहाँ पे कार्य फायर ब्रिगेड ने किया है, जो माल रोड पे आज सानी मेडिकोज में आग लगी है उसमें प्रशासन का और फायर ब्रिगेड का रोल बिल्कुल ज़ीरो था। साथ में वाटर का हाइड्रेंट होते हुए भी उसमें पानी नहीं आया और फायर ब्रिगेड की सारी पाइपें जो है फटी हुई थी और फायर ब्रिगेड भी लेट आई थी। जब डीसी साहब से इसके विषय में बात की गई तो वो कह रहे हैं कि परमाणु से अभी फायर ब्रिगेड और मंगवाई गई है। क्या हम परमाणु से फायर ब्रिगेड आने का वेट करेंगे जी? टोटली की टोटली सारी नेग्लिजेंसी प्रशासन की और फायर डिपार्टमेंट की थी। जिस जैसे वाटर हाइड्रेंट की बात करें तो वाटर हाइड्रेंट में पानी नहीं था, उसके बाद क्या किया साहबा? उसमें वाटर हाइड्रेंट में कम से कम एक घंटे बाद पानी खोला गया जी। अगर वो उस समय खुल जाता तो बिल्कुल कुछ भी नुकसान ना होता जी। ऐसा सुनने में आया कि निजी जो यहाँ पर साथी कॉम्प्लेक्स है वहाँ का पानी यूज करके थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आनंद कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता हूँ। ये सारा का सारा जो प्राइमरी वर्क हुआ है वो आनंद कॉम्प्लेक्स के पानी से हुआ है। अगर वो आनंद कॉम्प्लेक्स का पानी यहाँ पर ना होता तो आज यहाँ पर मेरे ख्याल से आधा माल रोड जल के सुवा हो चुका होता है।